हेलो दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं वीवो V29 ई डिवाइस के अंदर आप लोग स्क्रीन कंट्रोल सेंटर शो एंड हाइड कैसे करेंगे। दोस्तों आपने कंट्रोल सेंटर को लोग स्क्रीन पे शो हाइड कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो जो आपका कंट्रोल सेंटर है, जब अपने फ़ोन को आप अनलॉक रखते हैं तो वहाँ पर ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ को आप अपने लॉक स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं। आपका फ़ोन लॉक रहेगा तब भी वहाँ पे जो आपका कंट्रोल सेंटर है ऑन हो जाएगा। अपने इंटरनेट को और अपने वाईफाई को, वहाँ पे हॉटस्पॉट को और भी सारी चीज़ें हैं जो सेटिंग, वहाँ पे आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आप उसको बंद करना चाहेंगे तो बंद भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें होता है क्या, जैसे आप अपने फ़ोन को किसी और को देंगे तो आपका इंटरनेट को ऑन कर देगा या आपके हॉटस्पॉट को ऑन कर सकता है। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो सेटिंग है उसको वहाँ पे ऑन करके यूज कर सकता है, लेकिन आपके फ़ोन को नहीं यूज कर पाएगा, सिर्फ आपके सेटिंग को ऑन कर पाएगा। दोस्तों अगर आप इसको हाइड भी रखना चाहेंगे, हाइड कर लेंगे ताकि आपके फ़ोन को कोई छेड़ ना सके या आपके फ़ोन में कोई कुछ ऑन ऑफ ना कर सके। अगर आपका फ़ोन लॉक रहेगा तो आपके जो कंट्रोल सेंटर वहाँ पे ऑन नहीं होगा, तो सेफ्टी भी रहेगा। अगर आप उसको ऑन करना चाहेंगे तो ऑन भी कर सकते हैं। तो आप अपने कंट्रोल सेंटर पे अपने लॉक स्क्रीन पे कैसे शो करेंगे, हाइड कैसे करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को यहां पे ओपन कर लिए। आप देख रहे हैं हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, तो आपको उस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे वॉलपेपर थीम्स यूआई कलर और नीचे कुछ सेटिंग आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना है योर ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपन कंट्रोल सेंटर फॉर द लॉक स्क्रीन, और उसके यहाँ पे जो छोटा सा बटन मिल जाता है आपको, तो आपको इसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जब आप इसको इनेबल कर देंगे जो आपका कंट्रोल सेंटर है आपके लॉक स्क्रीन पे ऑन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं अपने कंट्रोल सेंटर को, ये चीज़ आपका फ़ोन लॉक रहेगा तब भी वहाँ पे ऑन हो जाएगा। और अपने इंटरनेट और वहाँ पे वाईफाई, हॉटस्पॉट, टॉर्च, जितने भी सारे सेटिंग हैं इसके अंदर आप अपने फ़ोन लॉक रहेंगे तभी यूज कर पाएंगे। अगर आप इसको सिक्योरिटी के तौर पे इसको लॉक करके रखना चाहते हैं कि जब तक अपने फ़ोन को अनलॉक ना करें तब तक ये चीज़ ऑन ना हो, तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग को बंद कर देना है। जब आप इसको बंद कर देंगे आपका फ़ोन लॉक रहेगा, जो आपका कंट्रोल सेंटर है ये ऑन नहीं होगा। वहाँ पे आप अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तभी आप इसको ऑन करके यूज कर पाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर को शो एंड हाइड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर शो एंड हाइड करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।